हरे कृष्णा सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिरिला प्रवेश ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितिरिला प्रवेश ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शील एसी भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की ऐतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आए हैं वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है ब्रह्म कुंड। ब्रह्मा जी ने ब्रज में उस ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी है। कहाँ कहाँ पे करी है? एक करी है बरसाना में, एक करी है चोमा में, एक करी है इसी स्थान पे वृंदावन में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली होने के कारण इसका नाम है ब्रह्म कुंड। बड़ी सुंदर कथा आती है यहाँ की। एक गर्ग संहिता में कथा है, एक ऋषि थे जिनका नाम था आसुरी मुनि। ये राधा कृष्ण के परम भक्त थे और उनका चिंतन करते हुए उन्हीं की ही लीलाओं के दर्शन करते थे। तो जब भगवान ने अपना पास में ही बंशीवट है, जब भगवान ने अपना रास आरंभ किया, उस जैसी भगवान ने रास आरंभ किया तो ये अपने चित्रपट में अपने हृदय में भगवान के इनको दर्शन नहीं हुए। तो एकदम से इनकी आँख खुलती है, समाधि भंग हो जाती है और ये भागते हैं बद्री का आश्रम में। क्या नर नारायण वहाँ पे तो नहीं है? देखा भाई, बद्री का आश्रम खाली है, वहाँ पे नर नारायण नहीं है। इनका मन और चंचल हो जाता है, फिर भागते हैं लोकालक पर्वत पे। वहाँ पे जाके देखते हैं शेषनाग जी। देखा भाई, शेषनाग जी अनंत जी है, वो भी आज अपने धाम में नहीं है। फिर अपने मन को संभालते हैं, कहते हैं कि हो क्या रहा है, और भागते हैं आगे, चले जाते हैं भगवान के वैकुंठ धाम। जब वैकुंठ धाम में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई वहाँ पे भी विष्णु जी नहीं है। पूछा कहाँ गए विष्णु जी और लक्ष्मी जी? पार्षद कहते हैं हमें भी नहीं पता। मन और चंचल हो जाता है। फिर जब गोलोक जाते हैं तब उनको पता चलता है कि भगवान आज बड़ी ही अपनी सुंदर लीला कर रहे हैं, रासलीला। जय जय रासलीला सर्व मनोरम, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, परक्रिया भावे जाह ब्रज ते प्रचार। ये केवल ब्रज का रस है, ये जो रास है ये क्या है? परकिया रस, जिसके अंदर कृष्ण क्या कर रहे हैं? 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब जब ये भगवान की इतनी ऊंची रासलीला है, इसको कौन समझ सकता है? जब वो यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, वो आए कैलाश पर्वत में, शिवजी से पूछा, अरे शिवजी आप जानते हो क्या कि भगवान कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? मेरे को अपने हृदय में दर्शन नहीं हो रहे। बोले भाई वहाँ पे अभी तुम्हें दर्शन नहीं होने वाले, क्योंकि अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपनी सबसे ऊंची लीला उसको प्रकाशित कर रहे हैं उस वृंदावन धाम के अंदर, जो कि भगवान की रासलीला है। तो शिवजी और वो आसुरी मुनि दोनों आते हैं इस स्थान पे और भगवान की उस रासलीला के दर्शन करते हैं। जब उन्होंने इस वृंदावन का वैभव देखा, वृंदावन का माधुर्य देखा, उसको देखने के साथ साथ उनके मन में क्या अभिलाषा जागी कि ये जो वृंदावन धाम है ये पूरा आश्चर्यमय धाम है। हर क्षण क्षण में ये आश्चर्य को उत्पन्न करता है, विमोहित कर देता है, चित्रित कर देता है, हृदय में अनेक अनेक प्रकार के विभाव उत्पन्न होते हैं। तो उनके मन में इच्छा आ रही है, इतना सुंदर वृंदावन धाम। उस धाम को देखने के बाद कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने स्वर्ग लोक का अमृत भी पान कर लिया तथा किम, उससे क्या लाभ? अगर मुझे ब्रह्म सुख मिल जाए उससे भी क्या लाभ? अगर मुझे वैकुंठ का सुख मिल जाए उससे भी क्या लाभ? ये तो वृंदावन का जो एक तिनका है, वृंदावन का एक तिनका भी क्या करता है? ब्रह्म सुख हो या वैकुंठ सुख हो, उसको क्या करता है? उसको तुच्छ कर देता है, उस तरफ देखता भी नहीं है। तो यहाँ पे वृंदावन के इतना सुंदर जब भगवान की रासलीला हो रही है, देखने के बाद उनके मन में अभिलाषा जागी कि मैं भी कृष्ण की रासलीला में जा सकूँ। शिवजी के मन में भी इच्छा जाग रही है कि मैं कृष्ण की रास में जाना चाहता हूँ। और वृंदावन के दर्शन करने के बाद उनकी क्या इच्छा जाग रही है? ये 2 नेत्र तो कम है, अगर मुझे लाखों लाखों नेत्र मिल जाए तब मैं इस वृंदावन का जो माधुर्य है उसका अपने नेत्रों से पान कर सकता हूँ। भगवान की जब वंशी ध्वनि कान में जाती है तो मन करता है ये 2 कान तो बहुत कम है, भगवान तू मुझे क्या कर, हे कृष्ण मुझे लाखों लाखों कान दे दे ताकि मैं तेरी उस बंसरी ध्वनि का अच्छी तरह पान तो कर सकूं। जब भगवान की जो चरणों की जो गंध है जब वो नासिका में जाती है तो इच्छा करते हैं कि भाई 2 नासिका तो कम है, कोटि कोटि नासिका मिल जाए तो मैं इस वृंदावन का जो सुगंध है उसको मैं पान कर पाऊं। इतना ही सुंदर यहाँ पे आश्चर्यमय धाम है। तो शिव जी क्या करते हैं, रास में जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे पुरुष नहीं जा सकते, तो शिव जी पौर्णमासी देवी से मिलते हैं। पास में ही गोपेश्वर महादेव है, बिल्कुल साथ में ही गोपेश्वर महादेव है और ये है ब्रह्मकुंड। तो शिव जी मिलते हैं पौर्णमासी देवी जी से जाके और बोलते हैं कि मैंने वृंदावन का आश्चर्य देखा और आश्चर्य को देखने के बाद, वृंदावन की कृष्ण की लीला को देखने के बाद मेरा जो चित्त है वो बहुत चंचल हो गया है और मैं कृष्ण के उस रासलीला में जाके दर्शन करना चाहता हूँ और मैं भी गोपियों के तरह कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। तो पौर्णमासी जी बोलती है, देखो शिव जी पुरुष रूप में तो आप नहीं जा सकते, आपको गोपी देह धारण करना पड़ेगा। तो इसी कुंड में आके शिव जी ने डुबकी मारी। जब डुबकी मारी तब तो वो शिव जी थे, जब बाहर निकले तो वो क्या बन गए? गोपेश्वर महादेव, तो वो बन गए गोपी। तो शिव जी जब गोपी का रूप उनको यहाँ से मिल जाता है, अब वो घुस जाते हैं कृष्ण की रासलीला में।
अब रासलय में उनको प्रवेश मिल चुका है, बंशीवट में घुस चुके हैं, 100 करोड़ गोपियां हैं। कृष्ण बोलते हैं कि गोपियों आज मुझे आनंद नहीं आ रहा। गोपियां कहती है क्यों कृष्ण, आप वही श्याम सुंदर, हम वही गोपियां हैं, तो ऐसे क्यों कह रहे हो आनंद नहीं आ रहा। कृष्ण बोलते हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आज वी जाती है गोपी अंदर घुसाई है, इसलिए परीक्षण करके देखते हैं कि कौन सी कोई आज नई गोपी आई है। और मेरे हृदय में आश्चर्य भी उत्पन्न हो रहा है कि कोई ना कोई तो आज नई गोपी आई है, मेरी इच्छा हो रही है उसके दर्शन करूं। तो सब गोपियां कहती है नहीं श्याम सुंदर, आप वही कृष्ण हो, हम वही गोपी हैं, बाहर से कोई नई गोपी नहीं आई है। कृष्ण कहते हैं चलो एक बारी परीक्षा करके देखते हैं। तो सारी गोपियां पंक्ति में खड़ी हो जाती है। अब गोपी बड़े डर, गोपेश्वर महादेव पर उनको डर लगता है, अपने उत्तरी से जैसे वो मुंह ढक लेते हैं ब्रज में, जैसे स्त्री मुंह ढक लेती है। तो शिव जी क्या करते हैं, बिल्कुल पंक्ति के आखिरी छोर में जाके खड़े हो जाते हैं और मुंह ढक लेते हैं हल्का सा, कहीं भाई कृष्ण मुझे पहचान ना ले। और हो सकता है 100 करोड़ गोपियां हैं, जब देखना शुरू करेंगे बीच में आधे रास्ते ही आधी गोपियों को देखने के बाद बोले नहीं नहीं कोई नहीं है, तुम अपनी ही हो। लेकिन कृष्ण बड़े चतुर हैं, कहते हैं कि चलो सारी गोपियां आप खड़ी तो हो गई है पंक्ति से, लेकिन पहले से नहीं, हम आखिरी से शुरू करते हैं। बिल्कुल आखिरी में पहुंच जाते हैं और शिव जी बिल्कुल डर जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। तो सब गोपियां उनको गुलचे मारना शुरू करती है, अरे तू कौन से गांव की है बता, भाई वो तो कैलाश के हैं, क्या बोले मेरा गांव कौन सा है। उनको रूप तो मिल गया लेकिन ये नहीं पता चला कि नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, अब वो तो खुद ही किसी के पति हैं। तेरे पति का नाम क्या है, खुद ही वो उमा के पति है, तो क्या बोले कौन मेरा पति है। तेरी सांस कौन है, ननद कौन है, कुछ तो बता, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनको भी क्या मिला था, गोपी देह मिला था, बाकी परिचय तो मिला नहीं था। तो सब गोपियों को गुलचा मारने शुरू करती है और फिर शिव जी के ये गाल फूल जाते हैं और उनके आंसू निकलना शुरू करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं गोपियों, ये मेरे प्रिय भक्त हैं। कौन है? गोपेश्वर महादेव। इसलिए गोपेश्वर महादेव जब भगवान की रास करने की इच्छा होती है, उनके बाएं अंग से राधा जी और दाएं अंग से गोपेश्वर महादेव प्रकट होते हैं। तो गोपेश्वर महादेव नित्य हैं, इस लीला के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि देखो भाई कृष्ण की लीला में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद शिव जी उनको अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो जो रास लीला के द्वारपाल हैं वो कौन है? वो है शिव जी। इसलिए जो वृंदावन के जो मेन द्वारपाल हैं, जब तक गोपेश्वर महादेव जी की कृपा नहीं होगी कोई भी रास में कृष्ण के प्रवेश नहीं कर सकता। हम जाते हैं गोवर्धन में, गोवर्धन में उनके द्वारपाल कौन है? गोवर्धन में उनके द्वारपाल है चक्रेश्वर महादेव। चक्रेश्वर महादेव की कृपा से ही गोवर्धन में अंदर प्रवेश मिलता है। तो वो है भगवान के द्वारपाल जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी के द्वारपाल कौन हो गए? लोकनाथ जी, जो वहाँ पे लोकनाथ शिव जी का रूप है वो उसके द्वारपाल है। भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव जी के कौन हो गए द्वारपाल? लिंगराज जी। तो जहाँ जहाँ पे भी अब कृष्ण के जो कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम वाली जो उनकी लीलाएं हैं आप देखोगे, उनके द्वारपाल में कौन है? शिव जी। इसलिए अगर वो किसी पे कृपा करे तो वो कृष्ण के रास में प्रवेश कर सकता है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे उनसे प्रणाम करो। क्या प्रणाम करो? वृंदावन वनी पते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदे डे गोपेश्वर बजवलासी युगांग्रिम पद में प्रेम प्रच निरु अपादि नमो नमस्ते। हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप वो जो ब्रज का प्रेम है वो आप दान कर सकते हो। वृंदावन वनी पते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदे डे गोपेश्वर। आप कौन है? आपका नित्य स्वरूप है आप गोपेश्वर है। ब्रज विलासी युग आंग्रिम पद में, जो यहाँ के युगल किशोर है उनके चरणों में आपका जो मन है वो कैसा है? पूरा तदात्म हो चुका है। अगर आप किसी पे कृपा करोगे तो उसका भी जो हृदय है, जो उसका चित्त है, उस युगल किशोर की भक्ति में लग जाएगा। तो शिव जी ही कौन है? कृष्ण के द्वारपाल है इस रासलीला के, उनकी कृपा से ही मिलता है। इसलिए गोपेश्वर का अर्थ है गोपियां जिनकी नाथ है, गोपियों की कृपा से ही शिव जी को रास में प्रवेश मिला। तो यहाँ पे ये बहुत ही दिव्य स्थान है क्योंकि यहाँ पे शिव जी को भी गोपी रूप की प्राप्ति हुई है और नारद जी, जो नारद जी हैं वो भी नारायण नारायण करते हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि कृष्ण की रासलीला होती है उनका मन भी चंचल हो गया और हाथ में वीणा लेके क्या बजाने लगे? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण राम नामे रे। हाथ में लेके राधा रमण, जो कि राधा जी के साथ रमण करते हैं, जो कृष्ण है राधिका रमण जिनका नाम है, उनका ही नाम बजाते बजाते क्या करते हैं? वो भी उस रास में प्रवेश करने की इच्छा करते हैं। तो नारद जी ने जो तपस्या करी है वो करी है, जब आप गोवर्धन जाते हो, गोवर्धन में कुसुम सरोवर से आगे एक स्थान है नारद वन, जहाँ पे नारद कुंड भी है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी है। और यहाँ पे आके जब उन्होंने इस ब्रह्मकुंड में डुबकी मारी तो उनको भी नारदीय गोपी का शरीर मिला है और उन्होंने भी फिर कृष्ण की रास लीला में प्रवेश किया। ये जो ब्रह्मकुंड है इसके यहाँ पे जो इसके चार हिस्से हैं, यहाँ पे दो 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 करके 8 कुएँ हैं और बीच में एक कुआँ है, इसको ब्रह्म क्षेत्र बोला जाता है। कई लोग तो कहते हैं कि वृंदावन का जो केंद्र है वो यही स्थान है। बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हो वो जो छतरी दिख रही है वो मीराबाई की कुटिया है। मीराबाई भी यहाँ पे उसने रह के भजन किया है, जब उनको पता चला कि यहाँ पे ही शिव जी की सिद्धि हुई है, इस स्थान पे नारद जी की सिद्धि हुई है, तो मीराबाई जी ने भी जब ब्रज में आई थी तो वहाँ पे उनकी छतरी है जहाँ पे रह के उन्होंने भजन किया है।
और इसके बिल्कुल इस पार, मीरा बाई के बिल्कुल इस पार नीचे यहाँ पे करमेती बाई ने भजन किया है। उनकी गुफा भी है आज तक नीचे। जब ये आश्रम बन रहा था, इस आश्रम की जब खुदाई हो रही थी, तब वो गुफा निकली और बहुत गहरी गुफा है जहाँ पे करमेती बाई ने भजन किया है। ये एक राजस्थान की एक भक्त हुई हैं। जब इनके पिताजी इनका विवाह कराने वाले थे तो इनकी कृष्ण के प्रति बहुत अनुराग था। छोटी सी बालिका अपने सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़ के अकेले जंगल होते हुए इस वृंदावन में आ गई। और तब वृंदावन ऐसा नहीं था, ये पूरा वन था। यहाँ पे बाघ, हाथी, चीता सब जानवर भी थे और उसने यहाँ पे रह के भजन किया है। हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, देखो भाई, अगर तुम सब कुछ त्याग के वृंदावन में आ रहे हो, ये वृंदावन कैसा है, ये वृंदावन आपको प्रेम करेगा। आप अपने माता का प्रेम छोड़ के आए हो, पिता का प्रेम छोड़ के आए हो, भाई का प्रेम छोड़ के आए हो, लेकिन वृंदावन कैसा है, त्वम मात्रेव पित्रेव। ये वृंदावन माता का प्रेम भी देता है, पिता का प्रेम भी देता है। मात्रेव पित्रेव, मात्रेव पित्रेव सदसुहृद एव सभ्रातेव सदसुहृद, यानी कि जो आपके सुहृद है, जो आपके भ्राता है, वो सारा प्रेम कौन देता है आपको, ये वृंदावन धाम देता है। तो अगर कोई अपने माता पिता को छोड़ के इस वृंदावन धाम में आता है तो ये उसको माता का प्रेम भी देता है, पिता का प्रेम भी देता है, स गुरु एव उसको गुरु का प्रेम भी मिलता है, देवता का प्रेम भी मिलता है, नेत्रवत स आत्मावत। ये जैसे हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं वैसे ही हमारा वृंदावन से प्रेम हो जाता है और फिर वृंदावन ही हमारी आत्मा बन जाती है, हमारी ही माता बन जाती है, पिता बन जाती है। इसलिए अगर वृंदावन आओ तो कैसे आओ, कृष्ण में भरोसा करके आ जाओ। भाई यही मेरी माता है, यही मेरे पिता है, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे देवता हैं, यही मेरे प्राण हैं। और फिर शिल वृंदावन महिमा अमृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, क्या प्रार्थना करो यहाँ पे आके, कह रहे हैं भाई एक प्रार्थना करो। जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठता है और बच्चे के ऊपर अगर धूल लग जाए तो माँ क्या करती है, झाड़ देती है और उसको स्तन से अपना दूध पान कराती है। कह रहे हैं उसी प्रकार से वृंदावन धाम कैसा है, अगर कोई इसको अपनी मातृ पितृ स्वरूप समझ के, सब कुछ अपने प्राण समझ के आता है तो वृंदावन धाम क्या करता है, आत्मेश प्रेम दिव्यम स्तन भरम अमलम। ये क्या करता है कि हे माता स्वरूप, आप क्या करो, मुझे प्रेम पान कराओ। जैसे एक माँ अपने स्तन से दूध पान कराती है तो आप मेरी जो अनर्थ है उसको झाड़ दो, क्योंकि मैं आप ही का ही पुत्र हूँ वृंदा देवी। और मुझे क्या करो, ये जो यहाँ कर जो युगल किशोर का जो प्रेम है वो पान कराओ। तो यहाँ पे ये धाम कैसा है, जो भगवान की रासलीला हुई, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं हमारे गोस्वामी वर्ग, जिसको देख के एक साधक के हृदय में लोभ जाग जाता है कि भाई मुझे भी स्थान पे जाना है। बताया कि यहाँ पे हर वस्तु कैसी है, आश्चर्यमय है। कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ दूसरे कुंज में मिल रहे हैं और यहाँ से राधा जी देख के मान कर लेती है और सखी को बोलती है कि देखो ये लंपट स्त्री चोर कृष्ण कैसे है, गोपियां कृष्ण को गाली देती है, ये कृष्ण कैसे है, क्या कर रहे हैं, दूसरे ही कुंज में मेरे ही सामने अन्य गोपी से मिल रहे हैं। सखी कहती है नहीं राधे, अच्छी तरह देखो, थोड़ा अच्छी तरह देखो कि ये जो कृष्ण है ये कृष्ण नहीं है, और जिसको तुम गोपी समझ रहे हो वो तो कोई विद्युत लता है। यहाँ की लताएं भी कैसी है, विद्युत के समान है। और जिसको तुम कृष्ण देख रही हो वो तो एक नील मेघ है। तो नील मेघ ऐसे लग रहा है एक कुंज से दूसरे कुंज में जब एक विद्युत लता हिल रही है, वो राधा जी के हृदय में भी आश्चर्य उत्पन्न कर देती है। उनको लगता है कहीं कृष्ण ही तो गोपी के साथ नृत्य नहीं कर रहे, हृदय में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला ये धाम है। यहाँ पे बिल्कुल सामने चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी स्थान पे आए थे, और यहाँ पे महाप्रभु बैठे थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने ही हमें ये वृंदावन धाम दिया है। इसलिए शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, क्या कभी बिना बीज के पेड़ उग सकता है, क्या नहीं उग सकता। क्या कभी स्त्री बिना पुरुष के बच्चे को जन्म, संतान को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती। उसी प्रकार से जब तक हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी हमें ये ब्रज का जो रस है हमें नहीं मिल सकता। भरम विरिंचित वांछित जे प्रेम जगते फेली लाढ़ाली कंगाले पाइया खाइया नाचिया बजाइया करताली। ब्रह्मा जी को भी जो प्रेम नहीं मिला, जिस प्रेम के लिए शिव जी भी तपस्या करते हैं, वही प्रेम क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, जगते फेलीला ढाली। ऐसा प्रेम जिसके लिए लक्ष्मी जी भी आज तक तपस्या कर रही है, उस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, दोनों हाथों से आके लुटा दिया। इसलिए आज हम जो इस वृंदावन धाम में आ रहे हैं, राधा कृष्ण के बारे में जान रहे हैं, लीला के बारे में जान रहे हैं, ये सारा का सारा जो है चैतन्य महाप्रभु की ही हमारे ऊपर एक अमंद उदय दया है, ऐसी दया जो आज से पहले किसी भी अवतार ने नहीं करी। तो हम महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, उनके भक्तों से, इस स्थान से क्या प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देंगे। हृदय पीड़ित जार
श्री कृष्ण चिकित्सतार हृदय रोग नाशी ते चतुर। मेरी बहुत ही प्रिय प्रार्थना है ये, हमारे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं हृदय पीड़ित जार। भाई तुम्हारा हृदय पीड़ित हो चुका है ना, सबका हृदय पीड़ित है, सबके हृदय में ही एक रोग है। क्या? हृदय रोग जार। वो रोग क्या है? काम। सबके हृदय में काम भरा हुआ है। बताया ये जो तुम्हारे हृदय में जो काम का रोग है, इसको संसार का कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो उसको ठीक कर सके। केवल एक ही ऐसे वैद्य है जो उसको ठीक कर सकते हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण चिकित्सक तार। कृष्ण ही एकमात्र चिकित्सक है जो हमारे हृदय में कोटि कोटि जन्मों से जो काम की जो ग्रंथियां बंधी हुई है, पहाड़ बनते हुए हैं, जिसको कृष्ण क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करते हैं? पाद पद्म मधु दिया अंध भाव घोचाइया क्रमे लए निज अंतपुर। पाद पद्म मधु दिया, इन सारे स्थानों में आते हैं हमारे गुरुपाद पद्म, हमें कृष्ण की कथाएं सुनाते हैं। उससे क्या होता है? यही कृष्ण के चरणों का मधुपान है। ये जो कथा है यही कृष्ण के चरणों की मधुपान है। तो कृष्ण अपने चरणों का मधुपान भक्तों के मुख की कथा के माध्यम से, आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में जाते हैं और फिर क्या करते हैं? पाद पद्म मधु दिया अंध भाव गुचाइया, जो हमारे हृदय में जो अंध भाव है, शरीर को ही मैं आत्मा समझ बैठा हूँ, इसको अंध भाव को क्या करते हैं? गुचाइया, खत्म कर देते हैं। क्रमे लय निज अंतपुर, और फिर क्रम से जिस स्थान के बारे में आज हम कथा सुन रहे हैं, गुरुदेव की कृपा हुई तो कभी इसी स्थान पे आके हम भी क्या करेंगे? कृष्ण के उस रास के साक्षी बनेंगे। यही कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रील नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रील महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।